दोस्तों हाल ही में मैंने लेस डियाबॉलिक नाम की एक फ्रेंच थ्रिलर हॉरर मूवी देखी है जो कि 1995 में रिलीज हुई थी और इसे हेनरी गॉर्जेस क्लाउजोट ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 8.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 96% फ्रेश। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर डियाबॉलिक्स मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड थियरीज पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत पेरिस के सेंट क्लाउड के एक बोर्डिंग स्कूल में होती है। इस स्कूल के हेडमास्टर मिस्टर माइकल होते हैं जो कि नेचर वाइज बहुत क्रूएल थे। स्कूल की ओनर मिसेस क्रिस्टीना थी जो कि यहाँ एक टीचर की तरह ही काम करती थी। क्रिस्टीना को कार्डियोमायोपैथी नाम की एक सीरियस डिजीज थी जिसकी वजह से वो फिजिकली और इमोशनली वीक थी। इनफैक्ट उनका हार्ट ही वीक था। यहाँ हमें पता चलता है कि माइकल का अफेयर इसी स्कूल की एक दूसरी टीचर निकोल के साथ था और माइकल ने क्रिस्टीना के साथ मैरिज सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही किया था। अब माइकल क्रिस्टीना के साथ तो खराब बिहेवियर रखता ही था, साथ ही वो निकोल को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता था और इसी कारण निकोल और क्रिस्टीना में दोस्ती हो जाती है। एक दिन हम निकोल और क्रिस्टीना को एक साथ बात करते हुए देखते हैं जहां निकोल क्रिस्टीना को बताती है कि उसके पास माइकल से छुटकारा पाने का एक आइडिया है। निकोल का ये आइडिया माइकल को जान से मार देने का था, जिस पर क्रिस्टीना पहले तो रेडी नहीं होती बट देन निकोल के समझाने पर वो रेडी हो जाती है। स्कूल में 3 दिन की छुट्टी होने वाली थी और निकोल के मुताबिक ये सही वक्त था जब वो अपने योजना को अंजाम देते। सुबह क्रिस्टीना माइकल को सोता हुआ छोड़कर निकोल के पास चली जाती है और वहां से वो दोनों कहीं बाहर चले जाते हैं। माइकल वार्डन के पास आकर पूछता है कि क्या उसने क्रिस्टीना को कहीं देखा है, जिस पर वो माइकल को बताता है कि उसने क्रिस्टीना को निकोल के साथ सुबह सुबह ही कहीं जाते हुए देखा है। यहाँ निकोल और क्रिस्टीना को हम कार में देखते हैं जो कि निकोल के घर निरौट जा रहे थे। निकोल क्रिस्टीना को बताती है कि वो अपने घर में अकेले ही रहती है लेकिन उसके ऊपर वाले फ्लोर में कुछ किराएदार रहते हैं, बट देन इससे उनके प्लान में कोई बाधा नहीं आएगी। घर पहुंचकर निकोल सबसे पहले माइकल को कॉल करती है और क्रिस्टीना को फोन थमा देती है। क्रिस्टीना बात करने से हिचकिचा रही थी लेकिन निकोल के हिम्मत देने पर वो माइकल से कहती है कि उसे उससे डिवोर्स चाहिए। वो माइकल को बताती है कि वेकेशंस खत्म होते ही वो उसके पास डिवोर्स के पेपर्स भिजवा देगी और इसके बाद स्कूल की प्रॉपर्टी पर भी माइकल का कोई हक नहीं रहेगा। माइकल ये सुनकर घबरा जाता है और क्रिस्टीना से कहता है कि वो कल ही उससे मिलने आ रहा है। अब निकोल प्लान के हिसाब से बेहोशी की दवा, एक विस्की की बॉटल और बड़ा सा प्लास्टिक का टेबल क्लॉथ इंतजाम कर लेती है। क्रिस्टीना यहाँ काफी घबरा रही थी क्योंकि उसने आज तक ऐसा नहीं सोचा था कि वो एक दिन माइकल के मर्डर की प्लानिंग कर रही होगी। वो बार बार निकोल से कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो ये कर पाएगी लेकिन निकोल उससे कहती है कि अगर वो आज ये नहीं कर पाई तो उसे जिंदगी भर माइकल को भुगतना होगा। वो उसे बताती है कि माइकल उससे किसी तरह का प्यार नहीं करता, उसे बस उसकी प्रॉपर्टी से मतलब है। अब माइकल यहाँ आने वाला था तो निकोल ऊपर किराएदारों के पास चली जाती है ताकि वो उन लोगों को वहाँ बिजी रख सके और यहाँ क्रिस्टीना नीचे प्लान का बाकी हिस्सा परफॉर्म करने रुक जाती है। माइकल यहाँ आता है और वो क्रिस्टीना से अपना सामान बांधने के लिए कहता है। क्रिस्टीना उसे मना करते हुए बताती है कि उसने अपने लिए एक लॉयर हायर किया है और उसका लॉयर ही उसकी तरफ से सारी बात करेगा। माइकल क्रिस्टीना से कहता है कि निकोल एक झूठी औरत है और उसी ने उसके दिमाग में ये सारी उल्टी सीधी बातें भरी हैं। वो क्रिस्टीना से हमदर्दी और प्यार जताकर उसका डिवोर्स लेने वाला डिसीजन चेंज करने की कोशिश करता है लेकिन क्रिस्टीना नहीं मानती। माइकल निकोल से बात करने के लिए जाने लगता है तब क्रिस्टीना माइकल को बताती है कि लॉयर वाली बात झूठ थी लेकिन ये बात सच है कि वो उसे डिवोर्स चाहती है। ये सुनकर माइकल टेबल पर रखी एक एक्सपेंसिव विस्की को उठा लेता है और एक ग्लास विस्की पीने लगता है। ध्यान रहे ये वही विस्की थी जिसके अंदर नींद की दवा थी। अब इस पॉइंट पर शायद क्रिस्टीना को गिल्ट फील होने लग गया था इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन माइकल उसे थप्पड़ मार के विस्की को पी जाता है। इस थप्पड़ की वजह से क्रिस्टीना फील्स रियली इंसल्टेड, जिसके परिणाम अनुसार वो खुद अपने हाथ से माइकल को विस्की का एक बड़ा ग्लास देती है जिसे पीने के बाद माइकल बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद निकोल यहाँ आती है और बाथरूम के बाथटब को पानी से भरकर माइकल के बॉडी को उसमें डुबा देती है जिससे माइकल मारा जाता है। इसके बाद वो लोग उसे उस टेबल क्लॉथ से ढक देते हैं।
नेक्स्ट डे वो दोनों माइकल की डेड बॉडी को एक ट्रंक में रख कर अपनी कार में लोड करने लगते हैं। निकोल के किरायेदार भी यहाँ नीचे खड़े थे जो कि उस भारी से ट्रंक को देखते हैं और निकोल उनसे इस ट्रंक को ट्रक में लोड करने के लिए कहती है। निकोल और क्रिस्टिना डेड बॉडी को लोड करके स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। 10-12 घंटे ट्रैवल करने के बाद वो दोनों मिडनाइट के आसपास स्कूल पहुंचते हैं और यहाँ वो दोनों स्कूल के पीछे वाले स्विमिंग पूल में माइकल की लाश को फेंक देते हैं ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग जब डेड बॉडी फ्लोट होकर ऊपर आए तो देखने वालों को ऐसा लगे कि माइकल की डेथ शराब पीकर स्विमिंग पूल में गिरने से हो गई। तो नेक्स्ट मॉर्निंग निकोल और क्रिस्टिना अपने रूम से स्विमिंग पूल की तरफ ही देख रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि माइकल की लाश कभी भी ऊपर तैरकर आ सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। इस पॉइंट में स्कूल में सभी लोग माइकल की एब्सेंस को नोटिस करने भी लग गए थे। दोपहर में क्रिस्टिना नोटिस करती है कि स्कूल का वार्डन स्विमिंग पूल के पास है और ऐसे में क्रिस्टिना को लगता है कि शायद वार्डन को माइकल की लाश मिल गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पूरा दिन बीत जाता है लेकिन लाश पानी के ऊपर नहीं आती। यहाँ क्रिस्टिना की हालत खराब होने लगती है और निकोलो से बताती है कि अगर लाश अपने आप ऊपर नहीं आती है तो वो स्विमिंग पूल साफ करने के बहाने से पूल के पानी को बाहर निकलवा देगी, जिससे कि कोई तो लाश को नोटिस जरूर करेगा। तो नेक्स्ट डे लंच के टाइम कुछ स्टूडेंट्स की फुटबॉल पूल में गिर जाती है और वो लोग स्टिक्स वगैरह की मदद से उस बॉल को निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखकर वहां खड़ी निकोल को एक आइडिया आता है और वो एक की को पूल में गिरा देती है एंड देन वो यहाँ खड़े एक स्टूडेंट से कहती है कि गलती से उसकी एक की पूल में गिर गई है। वो लड़का पूल के अंदर जाता है लेकिन पूल का पानी इतना गंदा था कि उस लड़के को अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा था और वो अंदर से माइकल की एक लाइटर लेकर बाहर आता है। ये लाइटर देखकर क्रिस्टिना और निकोल का दिल सहम जाता है और निकोल ऑर्डर दे देती है कि की को खोजने के लिए पूल का पानी खाली किया जाए। पूल से पानी खाली किया जाता है और क्रिस्टिना भागकर पूल में झांकती है और यहाँ नीचे देखते ही वो फेंट होकर गिर जाती है। तो इसके बाद डॉक्टर्स को बुलाया जाता है और यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि क्रिस्टिना के दिल की हालत बहुत नाजुक हो चुकी है, जिसके परिणाम अनुसार उसे किसी भी तरह के शॉक से दूर रहना होगा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। वेल, रात में हम निकोल को क्रिस्टिना के रूम में देखते हैं जहां निकोल कहती है कि लाश आखिर अपने आप पूल से कैसे गायब हो सकती है। निकोल क्रिस्टिना को बताती है कि उसने गार्डन, बेसमेंट और एटिक हर जगह खोज लिया लेकिन लाश का कोई नामो निशान नहीं है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी स्कूल का एक वर्कर यहाँ आता है और वो उन्हें माइकल का एक सूट देता है जो कि ड्राई क्लीनिंग के लिए गया हुआ था। निकोल और क्रिस्टिना ये सूट देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि ये वही सूट थी जो कि माइकल ने लास्ट टाइम पहन रखा था। निकोल उस वर्कर से पूछती है कि ये सूट किसने डिलीवर करने के लिए कहा, तो इस पे वो वर्कर बताता है कि एक लड़का था जिसे माइकल का कॉल आया था कि वो जल्द से जल्द ये सूट ड्राई क्लीन करा के ले आए। अब निकोल और क्रिस्टिना उस ड्राई क्लीनर शॉप में जाती हैं जहाँ से ये कपड़ा आया था और यहाँ शॉप लेडी उन्हें उस लड़के के बारे में बताती है और एक की भी दिखाती है जो कि वो लड़का गलती से यहाँ भूल गया था। वो दोनों इस चाबी को देखते हैं जो कि ईडन होटल रूम नंबर 9 की थी। निकोल और क्रिस्टिना फौरन ईडन होटल के नीचे जाकर वेट करते हैं। यहाँ क्रिस्टिना इंसिस्ट करती है कि वो रूम नंबर 9 में जाकर देखे कि वो कौन है जिसे माइकल की लाश मिल गई है। क्रिस्टिना रूम में आती है जो कि बिल्कुल साफ था। यहाँ बाथरूम से एक क्लीनर बाहर आता है और क्रिस्टिना उससे पूछती है कि क्या उसने इस रूम में रुके हुए गेस्ट को देखा है, जिस पर वो क्लीनर उसे बताता है कि उसने यहाँ रुके हुए आदमी को कभी नहीं देखा है। इनफैक्ट होटल के गार्ड्स भी उसे नहीं देखे हैं। निकोल और क्रिस्टिना स्कूल वापस आते हैं और यहाँ आकर वो दोनों एक दूसरे को दोष देना शुरू करते हैं। क्रिस्टिना निकोल को कोसती है कि उसने ही ऐसा घटिया प्लान बनाया था और निकोल क्रिस्टिना को कोसती है कि उसने अपने हस्बैंड को जान से मार डाला है। उन दोनों की बहस इतनी खराब हो जाती है कि वो दोनों ही पुलिस को कॉल करने लग जाते हैं, बट देन ऑल ऑफ ए सडन उन्हें ध्यान आता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो दोनों यहीं रुक कर ठंडे दिमाग से सोचने लगते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिस्टिना, जो कि अपने आप को हर चीज़ का जिम्मेदार समझने लग गई थी, वो डिसाइड करती है कि वो पुलिस के पास जाकर सब कुछ उन्हें सच सच बता देगी। बट देन निकोल यहाँ आकर उसे बताती है कि पुलिस को सीन रिवर के पास एक लाश मिली है। दोपहर को क्रिस्टिना बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए मुर्दाघर जाती है लेकिन ये डेड बॉडी माइकल की नहीं थी। क्रिस्टिना यहाँ से बाहर आकर एक टैक्सी लेती है जिसमें एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अल्फ्रेड भी आकर उसके साथ बैठ जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अल्फ्रेड फिलहाल एक स्पाई के रूप में काम करता था और यू कैन से प्राइवेट डिटेक्टिव। अल्फ्रेड क्रिस्टिना से कहता है कि उसे खुश होना चाहिए कि वो लाश उसके हस्बैंड की नहीं थी और इसके बाद वो क्रिस्टिना से माइकल के मिसिंग रिपोर्ट के बारे में पूछता है।
अल्फ्रेड क्वेश्चन करता है कि क्या क्रिस्टीना ने पुलिस में उसकी मिसिंग रिपोर्ट की है, जिस पर क्रिस्टीना घबरा जाती है एंड देन वो हड़बड़ा कर रिप्लाई करती है कि वो जल्द ही रिपोर्ट करा देगी। अल्फ्रेड क्रिस्टीना को बताता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है और उसके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट अगर काम पूरा नहीं हुआ तो वो उससे कोई पैसे भी नहीं लेगा। अल्फ्रेड क्रिस्टीना के साथ स्कूल भी पहुंच जाता है और गार्ड से पूछताछ करने के बाद क्रिस्टीना अल्फ्रेड का इंट्रोडक्शन निकोल से कराती है। अल्फ्रेड निकोल से पूछता है कि स्विमिंग पूल से पानी क्यों निकाला गया, जिस पर निकोल सफाई देती है कि उसकी कीज इसमें गिर गई थी। अब यहाँ अचानक ही क्रिस्टीना की तबीयत खराब हो जाती है। निकोल अल्फ्रेड से कहती है कि क्रिस्टीना दिल की मरीज है, इसलिए अब उसे आराम करना होगा और वो अल्फ्रेड को उसे तकलीफ ना देने के लिए कहती है। इसके बाद अल्फ्रेड थोड़ी बहुत पूछताछ तो करता है बट देन उसे यहाँ से जाना पड़ता है। स्टिल वो कहता है कि वो यहाँ दोबारा जरूर आएगा। नाउ नेक्स्ट डे निकोल और क्रिस्टीना लॉन में टहल रहे होते हैं जब वो एक स्टूडेंट को लॉन में ड्राई लीव्स उठाते हुए देखते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो अपनी क्लास में क्यों नहीं है और यहाँ अभी क्या कर रहा है। वेल, वो स्टूडेंट उन्हें बताता है कि उसने अपनी गुलेल से खेलते वक्त गलती से मिस्टर माइकल की एक विंडो को तोड़ दिया था और इसीलिए मिस्टर माइकल ने उसे पनिशमेंट दी है। जी हाँ दोस्तों, इस पे निकोल सेज कि इस स्टूडेंट की झूठ बोलने की आदत है, लेकिन माइकल के ऑफिस में जाने पर वो देखते हैं कि सचमुच यहाँ की एक विंडो टूटी हुई थी और टेबल पर एक गुलेल भी रखी हुई थी। निकोल और क्रिस्टीना को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। आई मीन ड्राई क्लीनिंग से माइकल का सूट आना, होटल में माइकल के नाम से रूम बुक होना और आज ये सब होना। क्रिस्टीना के दिल की धड़कन तेज होने लगती है और उसकी तबीयत बिल्कुल खराब हो जाती है। निकोल जल्दी से उसे उसके इंजेक्शन देकर सुला देती है। अब क्योंकि क्रिस्टीना की तबीयत खराब रहने लग गई थी, इसीलिए स्कूल के मैनेजमेंट का काम निकोल के कंधों पर आ जाता है। तो नेक्स्ट डे स्कूल की एनुअल फोटोशूट होने वाली थी, जिसमें स्कूल के सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को प्रेजेंट होना था। क्रिस्टीना की तबीयत खराब होने की वजह से निकोल उसकी जगह फोटो में खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद फोटो डेवलप होकर आती है और इस फोटो को देखकर क्रिस्टीना और निकोल दोनों शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि इस इमेज में उन्हें माइकल के ऑफिस से माइकल का सर बाहर झांकता हुआ दिखाई देता है। इस पॉइंट पे क्रिस्टीना के कमजोर दिल पे ढेर सारे शॉक्स एक के बाद एक लग रहे थे। इनफैक्ट क्रिस्टीना माइकल के मर्डर के लिए खुद को गिल्टी भी महसूस करने लग गई थी। ऐसी हालातों में निकोल को भी यहाँ रहने में डर लगने लग गया था और इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। नाउ रात को क्रिस्टीना को एक डरावना नाइटमेयर आता है, जिससे वो डरकर उठ जाती है। उठने के बाद उसे अपने सामने डिटेक्टिव अल्फ्रेड बैठे हुए दिखते हैं, जो कि उसे कहते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि माइकल कहाँ है और जल्द ही माइकल यहाँ होगा। इस पर क्रिस्टीना के मुंह से निकल जाता है कि उसने माइकल को जान से मार दिया है एंड देन क्रिस्टीना अल्फ्रेड को सब सच सच बता देती है। अल्फ्रेड नीचे जाकर भी लोगों से इन्वेस्टिगेट करता है और उसे स्टोर रूम में वो ट्रंक मिलता है जिसमें माइकल की लाश को क्रिस्टीना और निकोल यहाँ लाए थे। तो इसके बाद उसी रात मिडनाइट के टाइम पे क्रिस्टीना की आँख खुलती है और वो नोटिस करती है कि माइकल के ऑफिस की लाइट ऑन थी और वो हिम्मत जुटाकर उस तरफ चल देती है। यहाँ कर वो देखती है कि रूम का डोर खुला था और अंदर टाइपराइटर चलने की आवाज़ आ रही थी। अंदर जाने पर वो देखती है कि यहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन टाइपराइटर के पास माइकल के ग्लव और उसकी हैट पड़ी हुई थी। अचानक ही यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और क्रिस्टीना यहाँ से भागकर अपने रूम में पहुँच जाती है। उसके हार्ट में पेन होने लग गया था और वॉशरूम के बाथटब में उसे माइकल की लाश तैरती हुई दिखती है और इसे देखकर उसे बहुत जोर का हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वेल, आप सभी को लग रहा हो कि मूवी यहाँ खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बाद माइकल टब से बाहर आता है और निकोल अंदर एंटर करती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और माइकल कहता है कि इसके कमज़ोर दिल ने बंद होने में काफ़ी टाइम ले लिया। जी हाँ दोस्तों, वो दोनों खुश होते हैं और वो दोनों अब अमीर हो गए थे, क्योंकि क्रिस्टीना की सारी प्रॉपर्टी अब माइकल की हो गई थी। इसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं और बाहर उन्हें अल्फ्रेड खड़ा हुआ मिलता है। अल्फ्रेड उन दोनों को जेल जाने के लिए रेडी होने को कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसे सब कुछ पता है। नेक्स्ट डे सारा स्कूल क्रिस्टीना के अचानक डेथ से शोक मना रहा था और अब स्कूल बंद होने वाला था। तभी हम उस गुलेल वाले बच्चे को फिर से यहाँ देखते हैं, जो कि गुलेल से विंडो का शीशा फिर से तोड़ देता है। वार्डन उसे आकर कहता है कि उसने जाते जाते भी स्कूल का नुकसान कर दिया, बट वो बच्चा बताता है कि क्रिस्टीना मैडम ने ही उसे उसका गुलेल वापस दिया था। वो वार्डन कहता है कि इस बच्चे की झूठ बोलने की आदत अभी तक नहीं गई और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी डियाबोलिक्स की कहानी एंड आई नो कि अभी आपके मन में ढेर सारा कन्फ्यूजन होगा।
वेल डोंट वरी, क्योंकि मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। सो बेसिकली माइकल और निकोल को जब पता चलता है कि क्रिस्टीना को दिल की बीमारी है, तब वो दोनों एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो प्लान करते हैं कि वो क्रिस्टीना को लगातार शॉक देकर उसके वीक हार्ट को चोट पहुंचाएंगे, जिससे उसकी नेचुरली डेथ हो जाएगी। इसी प्लान के मुताबिक निकोल क्रिस्टीना को कन्विंस करती है कि वो माइकल को मार दे, लेकिन सब कुछ इस तरह से रिक किया गया था कि माइकल कभी मरा ही नहीं था। शायद उस विस्की में नींद की दवा थी ही नहीं, माइकल कभी डूबा ही नहीं, और निकोल ने शायद खाली बॉक्स को इधर उधर किया होगा। वेल, जो भी हुआ, पॉइंट इज कि माइकल मरा ही नहीं। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अल्फ्रेड क्रिस्टीना से मिलता है। वो उस रात इस पूरे समय बैकग्राउंड में अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए था और उसने पता लगा लिया कि माइकल जिंदा है। नाउ फिल्म की एंडिंग हमें फिर से चौंका देती है और इसको लेकर दो थियोरीज हैं। पहली ये कि अल्फ्रेड ने इन्वेस्टिगेशन तो कर ली, लेकिन उसे थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया जिस वजह से वो क्रिस्टीना को बचा नहीं सका। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई थी तो माइकल और निकोल अरेस्ट हो गए या हो जाएंगे, यानी कि एंड में क्रिस्टीना की घोस्ट वहां मौजूद थी जो कि उस छोटे बच्चे को देखी। नाउ दूसरी थ्योरी के हिसाब से अल्फ्रेड को सब कुछ पता चल गया था और उसे समझ आ गया था कि माइकल और निकोल क्या प्लान कर रहे हैं। अल्फ्रेड ने ही क्रिस्टीना को हार्ट अटैक आने की एक्टिंग करने के लिए कहा था और फाइनली वो माइकल और निकोल को अरेस्ट कर लेता है एंड क्रिस्टीना अपनी डेथ को फेक करके हमेशा के लिए स्कूल बेचकर चली जाती है। यानी कि इस थियरी के मुताबिक क्रिस्टीना अब तक जिंदा है। अब यहाँ मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप पहली थियरी या दूसरी थियरी किसी को भी बिलीव करें। तो बस यही थी फिल्म की कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।